नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल मेडिकल एग्ज़ाम्स की कट ऑफ के बारे में, जैसे कि नीट 2019, एम्स 2019, जिपमर 2019 और BAMS BDS 2019। इन सभी मेडिकल एग्ज़ाम्स की कट ऑफ हम देखेंगे एक ही वीडियो में। इन अलग अलग एग्ज़ाम्स की अलग अलग कट ऑफ की वीडियोस देखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इन सभी एग्ज़ाम्स की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसकी वो जो है वो एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सभी मेडिकल एग्ज़ाम्स की कट ऑफ जो है वो आपकी बार क्या रहने वाली है। सबसे पहले देखते हैं हम एक्सपेक्टेड 15% जो ऑल इंडिया कोटा है नीट 2019 की, उसकी वीडियो। इसकी वीडियो वैसे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो जनरल की इसमें जो कट ऑफ रहने वाली है वो 550 से 555 के बीच में रहने वाली है। जनरल के लिए 550 से 555 के बीच में अगर आपके नीट 2019 में मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें आसानी से हो जाएगा, आपको MBBS की सीट आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट ओबीसी और जो जनरल है उसकी सेम सेम ही रहने वाली है। बात करें एससी की, तो एससी में अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 430 नंबर बन रहे हैं तो आपको MBBS की सीट जो है वो आसानी से मिल जाएगी। बात करें एसटी की, तो एसटी में अगर आपके 405 नंबर बन रहे हैं तो आपको जो मेडिकल एग्ज़ाम्स है उसकी सीट आसानी से, MBBS की सीट आसानी से मिल जाएगी। अब बात आती है फिजिकली हैंडीकैप, जो अनरिजर्व कैटेगरी के फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी। तो 190 के समथिंग, 190 या 200 के समथिंग आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको इसमें MBBS की सीट जो है वो मिल जाएगी, किसमें, नीट 2019 के एग्ज़ाम में। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है अपना जिपमर, जिपमर MBBS 2019। जिपमर में कितनी रहने वाली है, तो जिपमर में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 630 से 640 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो आसानी से हो जाएगा। ओबीसी में बात करें, तो ओबीसी में अगर आपके 600 से 620 नंबर है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। एससी की बात की जाए, तो एससी में 490 से 500 और एसटी में 470 से 490 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन जो है वो आसानी से हो जाएगा। आगे देखा जाए, तो आगे आपकी BDS, जो BDS का एग्ज़ाम होता है मेडिकल एग्ज़ाम, उसमें अगर आपके अनरिजर्व कैटेगरी में 420 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में 410 प्लस, एससी में 220 प्लस और एसटी में 180 प्लस, इतने अगर आपके नंबर बन रहे हैं इससे प्लस तो आपका सिलेक्शन जो है वो आसानी से हो जाएगा, आपको MBBS की सीट आसानी से मिल जाएगी। आगे बात करें BAMS, BAMS क्या में क्या रहने वाला है, तो BAMS में BDS के रिलेटिव में थोड़ा डाउन रहने वाला है। अगर अनरिजर्व कैटेगरी में आपके 350 प्लस हैं, ओबीसी में 240 प्लस, एससी में 130 प्लस और एसटी में अगर 120 प्लस है तो आपको इसमें सीट जो है वो आसानी से मिल जाएगी। अब आगे अपना जो लास्ट रह गया वो रह गया एम्स। तो वैसे तो एम्स की वीडियो भी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एम्स में अगर आपके जनरल कैटेगरी में 105 प्लस नंबर है तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, 105 प्लस। ओबीसी में अगर आपके 100 से 105 के बीच में है तो, एससी में 85 से 90 और एसटी में 80 से 90, इतने अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो एम्स के थ्रू आपको MBBS की सीट जो है वो आसानी से मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको सभी एग्ज़ाम्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है। ये है नीट की, उसके बाद ये है जिपमर MBBS, नेक्स्ट है अपना BDS, नेक्स्ट BAMS और लास्ट है अपना एम्स। तो ये थी अपनी ऑल मेडिकल एग्ज़ाम्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स। जितने भी मेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब की कट ऑफ आपको एक ही वीडियो में प्रदान की गई है। तो आपका इन कट ऑफ के बारे में सजेशन क्या रहता है और आपका स्कोर, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटिव है तो आपका स्कोर इनमें से कैटेगरी वाइज क्या आपको आपको एक्सपेक्ट है कि आपका स्कोर क्या बन सकता है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लो तो लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।